चलोगे प्यारे बच्चों, माइनस खान के शवैया पहला और दूसरा पढ़ा चुका हूं, तुम लोग नोट भी बनाए होगे, सुने भी होगी। अगला मैं पढ़ा रहा हूं तीसरा शवैयाओं की है, गोपियां भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। एक गोपी नंद के घर गई है और भगवान कृष्ण उस समय नंगे ही जमीन पर लेट करके धूल पूरा सही लगा हुआ है और कैसे वो सुंदर लग रहे हैं इसका वर्णन देख सुनो और नोट बनाते रहो। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी श्री सुंदर चोटी है सखी, सुनो मैं उनकी बाल सुंदरता का वर्णन कर रहा हूं। कैसे हैं वो कि पूरा शरीर उनका दूध से भरा हुआ है। भगवान कृष्ण जो छोटे बच्चे धूल से लुट जाते हैं तो शरीर पर धूल लग जाता है, तो भगवान कृष्ण सांवले है ही हैं और धूल लगा हुआ है। हे सखी पूरा शरीर जो सांवले रंग का है वो धूल से लिपटा हुआ है और वह उत्वशिष्ट जैसे सांवले पर सफेद जैसे चंद्रमा की प्रकाश जो सुंदर लगता है अंधेरे रात में या घने बादल जब लगे रहते बिजली चमकती है तो सुंदरता बादल की बढ़ जाती है, ठीक वैसे जो शरीर पर जो धूल लगा हुआ है सांवले शरीर पर भगवान कृष्ण के सुंदर वैसे लग रहे हैं और वैसे ही तैसी बनी श्री सुंदर चोटी, वैसे ही उनकी शरीर पे जो सिर पर चोटी बनी हुई है हमारे सुंदर जो चोटी बांधी है बाल होती है वो सुंदर लग रहे हैं। आगे फिर करें और करते क्या है वो आंगन में खेलत खात फिरे अंगना, रोटी और माखन मां दी हुई है हाथ में लिए हुए और खाते घूम करके उसी आंगन में घूम रहे हैं और खा रहे। पैदल बाजत पीर कसौटी और जैसे जैसे चल रहे पैर की जो पायल जो पैदली पहने हुए पायल जो सोकते पहने हुए और कमर में कर्धनी पहने हुए वो दोनों बज रहे हैं, ऐसी मधुर आवाज निकल रहा है कि उसकी सुंदरता का और उस पायदनी पायल का और कर्धन का जो स्वर निकल रहा है कितना सुंदर है। अब इसका वर्णन क्या करें करते नहीं बन रहा है। रसखान कहते हैं या छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला ने कोटी, रसखान कहते हैं इतने सुंदर कि कामदेव की भी सुंदरता जो है उनके सामने फिर हो जा रही है, वो इतने सुंदर है कि उनके सामने उनकी सुंदरता फीकी पड़ जा रही है और एक तरह मैं देखते ही रह जा रही हूं और मेरी आंख की पलकें नहीं गिर रही। ये सखी तब तक होता क्या है कहीं से कौवे महाराज जो है कहीं से उड़ते हुए आ जा रहे हैं, कह रहे हैं काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माथा रोटी, यानी उस कौवा कितना भाग्यशाली कौवा है कि भगवान कृष्ण जो माखन रोटी खा रहे हैं थोड़े थोड़े घूम कर खेल रहे हैं तब तक संजोग से आते हैं और उस चोट से उस माखन रोटी को लेकर चले जा रहे हैं। कितने भाग्यशाली वो कौवा है कागभूषण इनको कहते हैं कि उनके हाथ से भगवान के हाथ से खुद ही माखन रोटी लेकर चले जाती हैं। कितनी भाग्यशाली वो कौवा है और नंद यशोदा तो भाग्यशाली है ही है जो भगवान अपने इस काम की लीला को दिखा रहे हैं। अगला है गोपी फिर कहती है एक न्याय हे सखी, अब दूसरा सोया है उनका तीसरा नंबर का है ये हे सखी जिस दिन से मैं नंद के घर गई और नंद के लड़के को देख लिया, छोरा मैंने लड़का होता है जा दिन थे वह नंद का छोरा या फिर भेद चराई गयो है, हे सखी जिस दिन से नंद का लड़का गाय चराने के लिए आया और बैठ करके बांसुरी बजा दिया हम उसके प्रेम की दीवानी हो गई अर्थात उस प्रेम में हम बिक गए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जिस दिन से नंद का वह लड़का गाय चराने आया और बांसुरी का आवाज सुना दिया उस दिन से हम उसके प्रेम में बेवल हो गए पागल हो गए यानी बिकना पागल मोहिन मोहिन तनि गोधन गावत भेद बजाई जाई गये हो, मोहनी रूप वाला है कमर को तिरछा करके बांसुरी बजाने वाला है और जैसे वह बांसुरी बजाया वैसे हम खुश हो गए उसकी आवाज को सुनकर के। अब आज इतने हम खुश उस समय हुए आज वो प्रेम इतना लग गया कि हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता सिवा उसके। अब कहते हैं हे सखी सुन लो
वादिन सी कछु टोना सी कौर सखानी यो को समझाई गयो स्नान कर करते हैं उस दिन से या कौन सा जादू पड़ गया हो या कौन सा टोना कर दिया हो या कौन सी नजर में उसकी जो है आ गई हो जो उसकी आज मेरे सामने से दृश्य ही नहीं हट रही है और उसके प्रेम को पाना ही चाहती है प्रेम से अलग नहीं होना चाहती है ऐसे जैसा कोई टोना या जादू मुझे करके चला गया बिना देखे ना नहीं सकते जीना मुश्किल हो गया। फिर आए कहते हैं को नकालू की कहानी करे सी गरीब जब वीर बिकाई रह सके अब कोई क्या करेगा रसन कहते हैं क्या कोई करेगा कृष्ण के प्रेम में गोपियां ही नहीं पागल हो गई हैं अब गोपियां ही नहीं पूरे ब्रज के लोग ही कह दिया जाए पूरे ब्रज के लोग ही उसमें उनके प्रेम में दीवाने हो गए अरे पूरे ब्रज के लोग ही उसके प्रेम कृष्ण के दीवाने हो गए कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए कृष्ण को पाने में ही जैसे अपना सर्वस्व जीवन व्यतीत कर देना चाहते हो इस प्रकार के गोकुल वाले और ब्रज वाले जो है कृष्ण के प्रेम के दीवाने बस अगला से कल बच्चे।